राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से स्कूली बच्चों ने लोक अदालत को लेकर जागरूक किए जाने का संदेश दिया। जानकारी के अनुसार 12 मार्च को न्यायालय परिसर में आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आम जन को जानकारी दी गई। लोक अदालत एक ऐसा महापर्व हमारे राष्ट्र में मनाया जा रहा है। छोटे छोटे मुकदमों में अपन अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय गंवा देते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं, उनका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से हम लोग करते हैं। लोक अदालत बिना पैसे के एक ऐसी समस्या का समाधान कर देते हैं जिनमें आदमी अपनी आर्थिक स्थिति से नुकसान से बच जाता है। जैसे ऐसे मुकदमे, छोटे जमीन का विवाद हो गया, भाई का भाई की जमीन है और एक दूसरे आपस में झगड़ा कर बैठते हैं, मेरी दौड़ काट ली, मेरा पेड़ काट लिया, ऐसे विवाद देके हम कोर्ट में आ जाते हैं और कोर्ट में विवाद के 2 साल 4 साल 5 साल चलता है, निस्तारण होता है, उसमें भी फिर आगे बढ़ जाते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं, आगे जाता हूँ, तो वहाँ दोनों भाई बैठ के सामंजस्य बैठा के निस्तारण करा लेते हैं। ऐसे ही विवाद रुपयों का लेन देन का हो जाता है, पैसे के लेन देन, मेरे पैसे दे भैया, पैसा नहीं दे रहा है, वो कोर्ट में आता है, तो कोर्ट में उसका निस्तारण होता है। आपस में हम जानते हैं कि मैंने इनके पैसे लिए हैं, तो क्यों ना हम बैठ के निस्तारण कर लें। तो लोक अदालत एक ऐसी संस्था है, ऐसी न्यायिक स्थिति में समाधान निकाला कि शीघ्र न्याय हो जाए और सरलता से हो जाए और सुविधाजनक हो जाए, बिना पैसे के हो जाए। ऐसी स्थिति में न्याय की गतिविधियाँ लंबी ना हो, उनके शीघ्र निस्तारण के लिए न्याय ढंग से और ऐसा न्याय हो जाए जिससे आपसी सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे में प्रेम भाव बना रहे, ऐसी व्यवस्था के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार न्यायिक स्थिति में लोक अदालत की कार्रवाई कर रही है। आप सब लोग अपने अपने घरों में जाके चर्चा भी कर सकते हैं, छोटे छोटे विवादों पर अपना समय जाया ना करें और स्थानीय स्थिति में आपस में बैठ के और न्यायालय में समाधान करा लें, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एक दूसरे का प्रेम भाव बना रहेगा। इन्हीं बातों के साथ में अपना आर9 भारत के लिए बयाना भारतपुर से चुन्नी लाल ठाकर की रिपोर्ट।